हर हर महादेव भाइयों, तो सुबह सुबह आ चुके हैं पानिया मंडी अपनी टाटा योद्धा को लेकर, और मार्केट में लोडिंग चालू हो गया है। यहाँ किशन बाबा की गाड़ी लोड हो गई है। ये हैं किशन बाबा। कहाँ जा रहे हैं भैया? हम तो जा रहे हैं बिहार में। अच्छा, बिहार जा रहे हैं। और पुराने मॉडल की एकदम सादा इंजन की गाड़ी है कि मतलब इसको कहीं खोलिए बंद करिए कुछ, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इलेक्ट्रॉनिक दिया है, वाइपर दिया है, बाकी इसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं दिया है। और यहाँ पे स्टेयरिंग आयल कम हो गया है, भैया स्टेयरिंग आयल डाल रहे हैं। अभी तो खाली है भैया। बिहार में कहाँ जाएंगे किशन भाई? झारखंड जा रहे हैं, चौपारण। यहाँ ट्रांसपोर्ट पे आ गए, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, और साथ में आज राजू भाई भी आए हमारे, और यहाँ पे नाश्ते का दुकान भी है गुड्डू भाई का, और यहाँ पे सामने में गुड्डू भाई हैं जो कि चाय को बना रहे हैं। वहाँ देखने को तो मिलता नहीं है भाई, लेकिन पढ़िया मंडी में भी यहाँ पे है और पानी भी भरा है इसमें। और इस हैंड पंप का तो आधा कहानी है, आधा कहानी बंद हो गया है, चलता भी नहीं है, सरकारी है, प्राइवेट रहता तो बन गया होता। और मंडी का ये हाल है भैया कि इधर रोड नहीं बना है पूरा, और हमेशा पानी जम जाता है पूरा। और इधर में फल मंडी है, पीछे से आ रहे हैं जिधर आलू का और प्याज का लहसुन का आदि का मंडी था, इधर फल मंडी है, और सब पिकअप वगैरह यहाँ पे खड़ा है लोडिंग के लिए। मार्केट में गाड़ियाँ ज़्यादा है आज के डेट में, बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, और भाड़े का कोई मतलब पोजिशन नहीं है, माल कम आया हुआ है, गाड़ी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और मनीष भाई मिल गए जो कि हमेशा कैठो गाड़ी पलटे हो गए भाई अभी तक, सही बताना, वीडियो चल रहा है लाइव, मजाक नहीं, जो पूछ रहे हैं सही बताना, पलटे हैं कैठो पलटे हैं, बताओ तुम्हें, तुमसे तो कम में पलटे हैं भाई, बोले हमसे कम पलटे हैं, लेकिन चार पाँच गाड़ी को तहस नहस कर दिए हैं, नई नई गाड़ी को, ये बताना नहीं चाहते हैं अपने मुँह से अपना बखान, सही बात नहीं भैया? आप इसके बारे में आप ही बता सकते हैं, हमारे जानने में भाई। और यहाँ पे सब गाड़ी लोडिंग के लिए खड़ी है, अभी कोई लोडिंग नहीं है, शाम तक देखिए क्या होता है। और यहाँ आ गए लंबुविया कारखाने पे जो कि कुछ गाड़ियाँ खड़ी है काम के लिए, और ये पांच मुंडी वाली गाड़ी भी आज हमको फिर से मिल गई, इसका इंजन गायब हो गया था कुछ दिन पहले, और इस गाड़ी का टायर कुछ अलग अलग डिजाइन का आगे का है, ये पता नहीं कैसे भैया लगा के इसको चल रहे हैं। इधर का टायर दूसरा है, उधर का टायर दूसरा है, सबसे बड़ी बात इसमें 407 का हाउसिंग डाला हुआ है, मतलब इसका एक्सल बैरिंग तोड़ने का डर नहीं। और पीछे में देख रहे हैं टायर को कैसे क्रैक कर दिया है, तो इसका 407 का क्राउन है, हाउसिंग है तो मान लीजिए क्राउन भी होगा ही। और एक स्टेपनी यहाँ पे रखे हैं भैया, एक स्टेपनी ऊपर में भी रखे हैं, और यहाँ पे फेरू भाई सोए मिल गए, और मोबिन भाई आ गए, देखिए गजब, मतलब इनका ड्रेस देख के तो लगता ही नहीं है कि ये 70 साल के हो गए हैं। हैंड पेंट के डिजाइन देख रहे हैं भैया, स्टार लगाए हैं पूरा एकदम ब्लैक ब्लैक येल्लो येल्लो करके पहने हैं आज भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो में बने रहिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इनका यही ज़िंदगी है, इनके ना घर का पता ना द्वार का पता। तो घर कहाँ फेरू भाई? इनकी यही ज़िंदगी है भैया, यहीं पे रहते हैं, यहीं पे नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं।